आज आपने यहाँ पे पत्रकार परिषद रखा है, क्या वजह है इस पत्रकार परिषद की, क्या बताना चाहोगे? देखिए, पत्रकार परिषद की वजह ऐसी है, हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो दीवा प्रभाग समिति है उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर है अक्षय गुर्गे साहब और उनके सपोर्टर में जो उनके जो साहब है लाने साहब, इन लोग ने नसीर चौधरी और रकीब खान को कल एक नोटिस दिया था। उनका जो प्लॉट है अपना शिल माफे रोड के ऊपर, वो प्लॉट पे उनका एक कंटेनर है तो वो खाली करने का नोटिस दिया था। तो आपको बुलाने का मतलब ये है कि हम कुछ चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं, और ये चीज जब खुलासा होने के बाद में आपको वो कॉर्पोरेशन से सवाल पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्लॉट की कहानी ऐसी है कि कमरुद्दीन बदरुद्दीन खान और एक ऑनर है उसकी मिसेस अनवरिका कमरुद्दीन खान, इनके नाम पे तो हाउस थे आप, उसका घर नंबर है हाउस नंबर 677/172 और 694/172। तो 1980 से उनका घर था यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे थे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको टैक्स पॉलिसी भी लगा के दिया है। ये प्लॉट की है हिस्ट्री। उसके बाद में इन्होंने नासिर चौधरी को ये घर सेल आउट किया था, सेल आउट करने के बाद में वो पुराना मकान था इसके लिए उन्होंने डिमोलिश किया था, और घर का जो एरिया था उसके बगल में पत्रे का शेड मारा था और एक अंदर कंटेनर अपने ऑफिस के लिए उन्होंने। ये नसीर चौधरी को उन्होंने हैंडओवर कब किया, सेल आउट कब हुआ था? सेल आउट 2023 में हुआ है। और शेड कब मारा था इन्होंने? शेड अभी मारा था, 15-20 दिन पहले शेड मारा था, लेकिन वो पोजीशन वो ऑनर का 1980 से है। ये बात टैक्स पेपर है, लाइट मीटर सब लगेला है आप डॉक्यूमेंट के बाद। उसके बाद में हमने अक्षय गुर्गे सर से मुलाकात किया, उनको ये बात हमने बोली थी कि भाई पोजीशन खाली करने का राइट म्युनिसिपैलिटी को है नहीं, ठीक है आपने पत्रे का शेड तोड़ा हमारे गैर मौजूदगी में, तोड़ा हमारे जो दोस्त है नसीर चौधरी उनके गैर मौजूदगी में पत्रे का शेड तोड़ा। शेड तोड़ने के पहले कुछ नोटिस दिया था? शेड तोड़ने से पहले कुछ नोटिस नहीं दिया था, जब हमने मुलाकात किया तो आज कंटेनर हटाने के लिए उन्होंने कल नोटिस दिया है। मेरा सवाल है अक्षय गुर्गे सर से कि महापालिका अधिनियम 1949 में ऐसे कौन सा सेक्शन है कि आप आज नोटिस दे रहे हो और कल तोड़ने के लिए आ रहे हो, और ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे बिना नोटिस दिए आप कार्रवाई कर रहे हो, हमको बताया जरा। या तो महानगर पालिका अधिनियम 1949 का स्टडी करें जो उनको गुड़गे साहब को आज के डेट में बहुत जरूरी है। यहाँ पर काम हो रहा है खाली सुपारी लेके, रास्ता पीछे वाला जो प्लॉट है अजिश्य उसका सुपारी लिया है ये प्लॉट खाली करने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पर ये मेन फ्रंट के ऊपर इनकी जमीन है, उसके पीछे उसका प्लॉट है, उसका प्लॉट निकल रहा है तो उसको सिटी सर्वे करना चाहिए, लीगल इनको नोटिस देना चाहिए, जो कि ऐसा है ही नहीं। तो मैं दीवा प्रबंध समिति से पूछना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं कि वो जो प्लॉट को रास्ते देने के लिए बैठे हैं, तो हम लोग को मजबूर में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि जिसके जमीन को रास्ता नहीं है और रास्ता देने का काम दीवा प्रबंध समिति से किया जाएगा, वो भी मोफत शुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, लगाना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट अनलीगल डेवलपमेंट इतनी हो रही है वो दिख नहीं रहा है, यहाँ से लेके शिल पूरा का पूरा पत्रे का शेड मारा है जो अजीत शेख का है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं क्यों नहीं किया जा रही है? तो हम कल लेटर इशू कर रहे हैं अक्षय गुर्गे सर को, मेरे लेटर के ऊपर हम लोग लेटर दे रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग गुर्गे सर कैसे कार्रवाई करते हैं। टोटल एरिया में दीवा प्रबंध समिति में अनलीगल काम हो रहे हैं, MIDC प्लॉट में दो दो तीन तीन बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, तो दीवा प्रबंध समिति का सो रही है क्या? ये गरीब आदमी है, उन्होंने लिया है, उनका कुछ पैसा लगा है, पोजीशन खाली करने का राइट दीवा प्रबंध समिति को है क्या? है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से कर रहे हो, सेक्शन हमको बताए। नसीर भाई, जैसा कि बताया गया, अभी सर ने बताया है कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्लॉट है साथ में कंटेनर भी रखा गया है जी। तो पीछे अजीत शेख की जगह है, अजीत शेख और शमीम खान की जगह है। शमीम खान और अजीत शेख मिलके जबरदस्ती TMC द्वारा प्रशासन द्वारा हमारी जमीन को तोड़ कार्रवाई की है विदाउट नोटिस और विदाउट पंचनामा के। शमीम खान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ये चीज करवाया? अजीत शेख और शमीम खान ने हमको बुलाया था और बात की थी कि जो है आप अपना कंटेनर हटा लो नहीं तो हम तोड़वाएंगे, और हमने तोड़ा है उनकी ऑफिस में, उन्होंने बुला के लिया था हमें। मतलब आपके प्लॉट के पीछे उनकी जगह है, रास्ते के लिए
हमने उनको कोई चीज का जवाब नहीं दिया, हमने बोला आप अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं। ऐसा क्यों है इनके आपकी जमीन का कुछ सौदा तो हो रहा था उनसे, कैंसिल होने के बाद ये आपने जमीन नहीं दी, तो उसके बाद नहीं, वो जबरदस्ती हमारे पे जो है अत्याचार कर रहे, जबरदस्ती हमको जो है प्रेशर ला के दबाव ला के, इसमें कुछ राजनेता भी शामिल है। अच्छा सर, आपने बताया कि 1980 से जगह है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास? डॉक्यूमेंट्स है, टैक्स है, मीटर है, यहाँ पे जो है क्या नाम है, जो क्या नाम है गाले थे उसका क्या नाम है गुमस्ता है, एलटीटी का है, सारे एमटीएनएल का है, सब सारे प्रूफ है। और इनका अगर जगह निकलता है तो गवर्नमेंट सिटी सर्वे करे, इसके अंदर जो है एमआईडीसी का भी प्लॉट है 125 गुंडा, वो भी अजीज ने यहाँ वहां सब कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे दीवा प्रभाव समिति ने कार्रवाई करी है, तो कार्रवाई का क्या रीजन दिया है, कार्रवाई किस वजह से उन्होंने थोड़ा कार्रवाई की है? हमको कोई चीज का नोटिस नहीं आया है, कुछ नहीं आया, कल हमको नोटिस मिला है। नोटिस ये है, कल जो उन्होंने नोटिस दिया है कि आप तत्काल कंटेनर हटा लो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कल जब आपको नोटिस मिला तो आज आप दीवा प्रभाग समिति जाना चाहिए था ये नोटिस लेके? नहीं तो हम उनको पहले बोले, कागज पत्र जो हम देते हैं, तो उन्होंने हम दो बार मिलने गए, हमारे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, कई बार जो पहली कार्रवाई थी उसके बाद हम मुलाकात करने गए थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। अभी हमने अच्छे गुर्दे से फोन पर बात की तो उन्होंने एमआईडीसी का जिक्र किया कि एमआईडीसी का जिक्र वगैरह नहीं हुआ, सिटी सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ, प्लस एमआईडीसी की जगह तो एमआईडीसी करेगी ना, एमआईडीसी का हमारा कोर्ट में दावा भी है, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। टीएमसी क्यों कार्रवाई कर रही है? और हमने कोई बांधकाम नहीं किया है, कोई कॉलम नहीं खड़ा किया है, या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। हम हमारी जगह इंक्रोचमेंट ना हो, इसके लिए हमने बाउंड्री अपना खतरे का करके और अपना रखा है। इनसे आपने पूछा कंप्लेनर कौन है? कंप्लेनर हमने पूछा, उन्होंने हमको अजीत शेख का नाम लिया है, बताया पेपर वर्क अजीत शेख के नाम पे है, रजिस्ट्रेशन शमीम खान ने बोला है कि हमारे नाम पे है, लेकिन 7-12 आज भी अजीत शेख के नाम पे है। नोटिस में रीजन बताया है किस लिए तोड़ा? कोई चीज का रीजन नहीं है। अभी जिस तरह से कार्रवाई हुई है तो आप लोग अपना नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हम कोर्ट में टीएमसी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर हम आगे जाएंगे, आगे का कदम उठाएंगे। हमारे एडवोकेट साहब है, वो जैसा बोलेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी जैसा कि जीवन वालकर साहब ने बताया है कि दीवा प्रवेशी में कल लेटर देंगे, वो कार्रवाई नहीं करते। जीवन वालकर हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे अच्छे जो है घर से संबंध रखते हैं, इसके लिए उनको लग रहा है कि नसीर के साथ जो है बुरा हो रहा है, उसके लिए आज यहाँ है। उन्होंने तो चेतावनी भी दी है, अगर दीवा प्रवेशी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे। करेंगे, हम आंदोलन करेंगे।